तो ये झोटी देख रहे हैं बिल्कुल, तो ये दो दांत हैं और ये मुर्रा नस्ल की, और नीचे क्वालिटी देखो एक बार, बिल्कुल सुपर। और ये साथियों तो ये गांव है जी साटू और ज़िला है जी मुजफ्फरनगर, और अभी इसमें दूध तैयार है जो 14 किलो, जी 14 किलो दूध तैयार है। और ये वीडियो आपके लिए इस तरह से आई कि आप पशुपालक हैं हमारे यहाँ का, तो वो बहुत जागरूक हो और फीड में हो, थोड़ा जो नस्ल सुधार में हो, तो यह मैनेजमेंट में हो, क्योंकि मैनेजमेंट में मतलब यानी कि जो सेवक जो आदमी है तो पर वो कम है, सो सारे नहीं हैं, तो इनकी पूरी जानकारी लेंगे। अगर देखे साथ जो बिल्कुल क्या कहने, एक्सीलेंट, रुको रुको बस रुको। हाँ जी नमस्कार जी, चलो खाओ जी। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, अपना नाम और थोड़ा परिचय दो। नीरज बालियान जी। हाँ। गांव साउटू। हाँ। जिला मुजफ्फरनगर। हाँ। उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ये गांव साउटू है। साउटू गांव है जी। तो जो हम तो साटू कहते हैं। हाँ जी हाँ, साउथ है जी। साटू नंगला बोले। हाँ जी। तो यहाँ गुड़ भी फेमस है यहाँ का। गुड़ फेमस है जी। साथियों गुड़ भी फेमस है, और एक बार पहले तो वो गुड़ की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी डिटेल लेंगे झोटे की। एक बार दांत दिखाओ जी, एक बार दो दांत है क्या? ओहो आराम आराम। साथ में रहते तो भाई नहीं जी, चौथे तोड़ की। अच्छा हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, दो में चार में तो कुछ नहीं है। तो इसकी क्या डिटेल है, इसमें कितना दूध है? इसमें 14 किलो दूध है। अच्छा हाँ जी। धार मोटी मोटी होगी? बढ़िया धार, बहुत बढ़िया जी। तो ये घर की है तुम्हारे? यार नहीं, भैंस ले थे जी इसकी माँ को। अच्छा, तो वो कहाँ से? राजस्थान से जी। अच्छा, तो उसके लिए चेक करके आई थी। अच्छा, तो इसकी माँ कितना किलो? इसकी माँ का तड़प 20 किलो दूध था जी। हो जी। हाँ हाँ जी। और गाँव बलक गाँव मंडी में दीदी पास के गाँव में। हाँ, ये कटिया रख ली थी। अच्छा, तो यहाँ जो गुड़ है, तो जो गुड़ फेमस क्यों है यहाँ? बस गुड़ तो जी या कुछ एक नंबर का पड़ा जी, जी या कुछ, या तो मिट्टी का ही फर्क है? कुछ मिट्टी का फर्क है, कुछ कारीगर भी अच्छे हैं। अच्छा, तो चलो। और ये जो इसे जो फीड में खिलाते हैं, तो वो क्या क्या खिलाते हैं? नाज में? नाज बिनोला खा है जी। हाँ, और चने की चूरी है जी। हाँ, राजधानी की छिलका है। चोकर है जी। और थोड़ा मेथी है। अच्छा, तो मेथी इसे अब डाल रहे? नहीं, डालनी शुरू गई 4-5 घंटे। तो इसे बंद को। तो साथियों वो दूसरी झोटी भी है, तो इनके पास वो अभी बल्कि कण सा गिर रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करें, तो मैं शॉर्ट में दिखाएंगे पूरी एकदम जो अपने डिटेल में। आज इधर ही आए थे साथियों साटुई, तो आज इनकी वीडियो आज तो कवर करी। अच्छा, और ये वाली जी? ये वाली राजस्थान से लाए थे जी। हाँ, इसमें कितना दूध है? इसमें 14 किलो दूध है। और ये 2-3 दिन में फार्म में रहेगी। ठीक है ठीक है, सिरन देखो जी साथ, एक बार नीचे दिखा रहे हो, बिल्कुल अच्छा तना है जो मुठिया। अच्छा, और वो दिखाओ, एक फीड दिखाओ। तो ये कितनी बार की है? ये आज ही। हाँ, तो ये अगर हाँ, अगर ब्याई कौन सी बार है? ये दूसरी बार जी। अच्छा, इन्हें तो ये कितने की ली थी? ये ली थी जी 1.32 की। 1.32 हज़ार? हाँ जी। तो ली महंगी थोड़ी बस थोड़ी जी, क्या जी किराया भाड़ा लग के तो ढिलने पड़े जी मामला। अच्छा, तो यह देखो साथियों, तो ये फीड है, तो इनका डालते हैं, आप भी एक बार इसमें मिलाना, मतलब तुलना करना कि जो फीड आप भी यही खिलाते होगा, जो कमेंट में बताना। एक तो जी सरसों की खड़ है जो कि मतलब खड़ के अंदर प्रोटीन है, और छिलका है, और बिनोड़े की तो सत खड़ है, और चूरी है चने की, और मेथी है, और चोकर है। जैसे साथियों चोकर में फाइबर होता है, और जो अनाज क्या है, अनाज डालते? नहीं, अनाज है जी वो बिनोड़ा और गेहूँ का दलिया। अच्छा, बिनोड़ा और गेहूँ का दलिया। हाँ, तो ये बढ़िया है, ठीक है। तो साथियों यही फीड खिलाते हैं, तो कुछ अलग तेल ताल नहीं उसमें फीड में गिरते जी। अच्छा हाँ, जो दलिया है तो रोज या एक दिन भी इसे छोड़ के? नहीं नहीं, रोज ही वो थोड़ा थोड़ा रोज गिरते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सोडा कोई काला नमक कोई भाई बूस्ट की बजाय गोली देते जी, मिंदा मिक्सर बट और कुछ नहीं जी। देखिए साथियों उधर बैठे हैं, तो एक बार इनके भी तो वो लेंगे डिटेल। हाँ, इधर से ले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे सोनू भाई है, और आपका नाम क्या है जी? तो सर इनका नाम पंकज। आपका जी? अरे सर इसपाल जी। अच्छा ठीक है। तो ये सोनू भाई से लूँगा पहले तो जानकारी। तो जो भैंस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यूपी का पशुपालक है, तो वो ज़्यादातर राजस्थान से या पंजाब से या समझो मतलब हरियाणा से, और जो मतलब हमारे यहाँ से भैंस वहाँ जा रही, तो ये क्या मसला है थोड़ा ये बात समझो, ये बात समझ में नहीं आ रही। मारे लोग वही बात है जी, घर का जो की जो ना फराशी थे वो अपनी की तो ध्यान करते नहीं, अपनी को तो बच्चे को पालते नहीं, मारे लोगों को बच्चे पर ध्यान नहीं। जो शुरू से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे को दूध नहीं पिलाते, तो फिर बच्चे कैसे इतने हष्ट पुष्ट होंगे। वे लोग हरियाणा में राजस्थान में भी बच्चे पर बड़ा ध्यान दे, जो उनकी तो खेती है, उनका पशु खेती है, हमारी खेती है ही नहीं। मारे लोग इसे पशु को अपना खेती नहीं मानते जी जी।
वे मतलब अपने पशु को अपने परिवार का आदमी समझे, परिवार का सदस्य भी समझे, उनकी आय का स्रोत है जी पशु। अच्छा, और आप जो वहाँ से भेज रहते हो, जो है तुमने दूध तो लिया वहाँ जो 12-14 किलो, तो कुछ अनट्रेंड जो आदमी है वे जो बोल देते हैं, तो वे कुछ जो अनट्रेंड जो आदमी है वे बोल देते हैं कि वहाँ दूध ज्यादा थे, वहाँ के पानी में दूध है, या उन्हें उस बात की नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ दूध ज्यादा है। तो आपका मैं जो व्यक्तिगत आपका विचार जानना चाहूंगा, क्या 12 किलो दूध लाए बनता तुल गए, तो यहाँ कितना किलो दूध दे? ये भी हमने एक भैंस 4-5 दिन पहले बेची है जी, हम मंत्र 13 किलो दूध नाप के लाए थे जी, और वो हमारा 5 दिन नहीं, हमने 16 किलो नाप के दिया। हमारे पास के गांव में सिसोली है जी, तेजपाल आके उसके यहाँ जा रही। हाँ, कितने में दियो जी? कितने में करी? हमने करी जी 1-10। सस्ती कर दी 1-10 में तो यार, बस राजस्थान की भैंस थी, साइज छोटा आवे जी वो। अच्छा, और आप वो बता रहे थे हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी 2-3 समस्या है, एक तो जो सीमन की, सीमन के प्रति डॉक्टर भी जागरूक नहीं है, और हमारे यहाँ का जो पशुपालक भी जागरूक नहीं है, और एक जो यहाँ पर तालाब नहीं है, तालाब तो हमारे गांव में ऐसा है, वो आपने तालाब बताया, आपने तालाब बताया, ऐसा तालाब है जिले में नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक आधा है, तो हमने तालाब तालाब है जी, चुगड़दे की बाउंड्री हो रही है, पानी है उसके पास, में समस्या 4 बीघे का, बहुत लोग पशु ले जा, हमारे गांव में ऐसी कोई परेशानी नहीं। जी जी, ये गांव तो आप मिनी हरियाणा मान। तो मैंने तुम्हारा पशुधन देखा, सारा बिल्कुल शंकड़ा है वो, तो वो पानी में लौट के जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो पशु है, जो एनिमल है, ये मिट्टी पानी का ही पशु है, इसे तो मिट्टी पानी मिलो पूरा खुश है। तो हाँ जी, आप भी कुछ बताऊंगा जी, जो अपना कुछ विचार रखोगे। अच्छा अच्छा, तो देखो साथियों, तो यहाँ साठू गाँव में आज, और सारे विचार तो इनके जान रहे हैं, और प्रधान जी बता देंगे। हाँ अच्छा, प्रधान जी बहुत बहुत नमस्कार जी, ये बहुत अच्छे अच्छे जुटी लेते हैं। हाँ बोल रहे, क्या नाम है तो आपका? मेरा नाम शुभम बालियान जी। शुभम बालियान जी जी जी, तो आप भी अच्छी जुटी ले रहे हैं, तो वो खारके वाली आपके वाली है क्या? जी हमारी है खारके वाली। अच्छा, तो वो कितना किलो दूध दे रही हो? वो दे रही 14 किलो जी। तो जो उससे पहले कितना था? वो नाप के लाई थी हरियाणा से, अभी 16 किलो दूध। अच्छा, तो वो कितने में खरीदी थी? वो खरीदी 1.5 लाख रुपये में। तो साथियों, 1.5 लाख के आसपास में खरीद जाती है, अच्छी जुटी आ जाती है। और तो अभी बीमार है जी, मिल्क फीवर हो गया उसे। हाँ, और अभी ठीक हो जाएगी, दूध घटेगी 2-3 किलो। तो जो जो हमारे उत्तर प्रदेश के पशुपालक है, जो मान जो गन्ने की खेती करते हैं ज़्यादा, तो जो उनके विचार में क्या बोलोगे, जो उसमें साथ में पशुपालन भी करना चाहिए? जी पशुपालन करना चाहिए, यही हमारी ये गन्ने की खेती है, और खेत में पशु का खाद जाता है, पशु रखने चाहिए, यही हमारे जीवन की जो चल रही है पहले पुराने टाइम से, वही चलनी चाहिए। किसान पशु के बिना किसान अधूरा है, बस यही कहना चाहते हैं। जो अभी संजीव बालियान जी ने अभी वो लगवा था बायोगैस, तो वो भी गांव में लगे, तो जो किसके लगे हुए हैं? गांव में तो नहीं लगे, क्षेत्र में लग रहे। संजीव बालियान ने बहुत काम करा जी। अच्छा, उन्होंने तो हरवा दिया यार वो जी, वो तो देखो क्षेत्र की जनता। अच्छा, मूड है जी, एक आदमी एक परिवार। मैंने सुना कि जो अपने गढ़ में आ रहा। भाई देखो, मतलब काम बहुत करा मुजफ्फरनगर जिले के नाम का ही काम संजीव बालियान ने करा। अच्छा, जीत का गए ना इस गांव से, तो जीत का गए हैं। अच्छा, छोटा सा टॉपिक लिया है, तो साथियों जो कमेंट करके बताना कि मान लिया जैसे कि सोनू भाई के यहाँ जो यहाँ पे तालाब भी है, और अच्छे सीमन की भी जरूरत है, और अच्छे मैनेजमेंट, मतलब जो और मैनेजमेंट का भी जरूरी है कि मैनेजमेंट मतलब रख रखाव, मतलब नूनिया जो भैंस तो लिया समझो कि 3 लाख की, और उसे घास नहीं गिरा और वो घूम रहा बार, तो उसका क्या फायदा? क्योंकि जो पशु का तो साथियों सबसे बड़ी परेशानी हमारे क्षेत्र में एक आदमी। हाँ क्या बोलो? करना नहीं रहा लोगों का भाई। नहीं तो आगे मेहरबानी, हर आदमी नेता बनना चाह रहा, कर का कोई राज्य नहीं। समाज भी आज ऐसी करूर स्थिति पर आ गया, जो दो आदमी का सामान्य आदमी का झगड़ा हो जाए, जिनका 10-10 बीघे जमीन हो, और उनका फैसला जो 5 बीघे वाला करण चले जाए मानते नहीं, जो 30 बीघे वाला था उसका भी फैसला मानते नहीं। समाज भी आज ऐसा करूर हो गया, मतलब ज्यादा जमीन वाले की पैसे वाले की वैल्यू है। बदमाश हो उसके बाद जेल में था, वो 50 मर्डर करे क्यों दबंग हो, चाहे वो नेता हो चाहे वो पैसे वाला हो, उसी का फैसला मान ले, शुद्ध सच्चे आदमी का कोई फैसला भी मान ले इतिहास। हाँ तो सच्चे करूरता समाज का, तो सच्चे आदमी के तो देखो ही नहीं गए। सच्चे आदमी तो अपनी इज्जत बचा कर घरों लुक रहा है। हाँ यार सही बात, हाँ सच्ची बात है। बस भैया सही कह दी, ये तो खुला वाली देखो जो ऐसी का भले और भी आ गया कि नहीं, सच्ची कह दी। हाँ तो हाँ, ताऊ जी जो ये बात कह रहा है तो सोनू सही कह रहा है। बिल्कुल ठीक है यार। अच्छा
तो आप बैठे हो जाओ। तो सोनू तो मैं बिल्कुल तो जो नेता हूँ मैं भी इसका नाम। हाँ जी मतलब क्षेत्र में, नहीं तो मैंने सुना आज सोनू सोनू के नाम से, सोनू तो आती है साठू के नाम से, तो खलबली मचे जो उनमें, तो उनको सोनू का जिसने पलटा ले लिया। एक दिन सोनू ने हैं 14 अच्छा यूपी का रिकॉर्ड 14 पशु बेचते थे एक दिन में, 14 पशु का रिकॉर्ड। हाँ जी और हरियाणा राजस्थान से लेकर जी, हरियाणा राजस्थान से लेकर जी, अच्छा राजस्थान से लेकर भैंस हरियाणा से लेकर बेच रहे। तो जी हमारे बहुत पुराने शौकीन है जी बचपन से ही, मतलब ये मान लो 16-17 साल की उम्र में शौक करने लग रहे थे पशु का, और वहाँ से राजस्थान हरियाणा से बहुत पुराने टाइम से पशु लेके आते हैं। अच्छा अच्छी गौर करते हैं वहाँ पे पशुओं का। चलो चलो 14 लीटर जो है सप्ताह में देना है यहाँ पे, हर की ड्यूटी निकाल दी सब ये ताऊ जी की वजह से ही है। चलो चलो साथियों हमारे काम के लोग ताऊ जी धर्म गुरु है पशुओं पे। अच्छा इनके तो बहुत चिल्ले हैं गांव में, तो तुम जब मेरे साथ भैंस लेने जाओ तो इनके पैर छू गए और चुचकार का इंतजार करो। इनके चिल्ले ताऊ जी मैं तो लग रहा है इसने 10 लाख रुपए कमा दिए भैंसों में हैं। नहीं मजे से लग रहा है भैंस इसी लग गई और मजे मैं गुमराह कर रहा है, मतलब जो वो पिक्चर का नाम सुना गुमराह, तो गुमराह करके होगा देख लो डॉक्टर चढ़ के जी चढ़ भरी के पटन को है। तो भाई यू तो मेरे साथ तो सोनू नहीं मानती है जी सोनू को, नहीं सोनू हाँ नहीं एक दो साथ तालाब भी है और हाँ। और अच्छा तो यहाँ रख रखाव भी करे, तो वो जो हमारा उत्तर प्रदेश का पशुपालक सबसे आगे है, क्योंकि मेरे 8 दोस्त है जो हरियाणा में जो अभी दूध का रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 किलो तक का, 32 किलो तक का, 35-36 किलो तक का जा लिए। वे ये कह रहे हैं जो हमारी भैंस यूपी में चली जा, यूपी में भी हमारे ये जो मतलब 4-5 जिले ही है ज़्यादा जहाँ अच्छा मीठा पानी है, शामली है हमारा मुजफ्फरनगर है, बागपत है, और हमारा ये जो खेगड़ा जो साइड का लोनी साइड का है, और ये जिधर करनाल साइड का जो ये लगता है बोर्डर है, सबसे ज़्यादा अच्छी तो ये दूध की भैंस जो यही मिलती है। तो साथियों चलो आज की वीडियो आपको ये दिखाई जो मज़ेदार, जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना साथियों, तो ये वीडियो को लाइक करना। गांव है जी साटू और साथियों तो ये जिला है जी मुजफ्फरनगर। तो आज बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। जय गौ माता जय भारत, मेरा भारत महान।